जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहां रह किस लिए रहे हैं? ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे, और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना, परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थाई स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहाँ मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है, पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है, स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है, ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की, वासियों को, उनको पहले पता लग जाता है अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है, तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहां बाय फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाय फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई,
यहाँ से हुई चलो चलो, स्वर्ग में गए वहाँ होगी चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई फिर मृत्यु हुई चलो, कुत्ता बनो कुत्ते की मृत्यु हुई चलो, सुअर बनो, तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही एक घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीब दास कर बंदगी बहुर नहीं ऐसा दाव। अब दाव कैसा है, मनो शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरव, तेरी क्या बुनियाद पुराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खर वो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस किलन पर जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं और जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा, और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग, जिससे ये 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा, उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जावे, और कोई स्वाध्याय करते हैं जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है, तो कोई
वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है, वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए गंगा के किनारे, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।